जैसे कि आपको पता है कि मैं मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स अपने बाइक पे करता हूँ, KTM 390 एडवेंचर, लेकिन इसके साथ ही मेरे पास एक कार भी है जिसको मैं अपने डे टू डे ट्रैवलिंग में यूज़ करता हूँ। मेरे पास कार है ग्रैंड आइटन और आज उसकी बारी आई है सर्विस कराने की। तो अभी 2016 मॉडल है, कुछ 62,000 के आसपास चल गई है, तो मैं उसको सर्विस कराने ले जा रहा हूँ। सर्विस कराने के लिए मैं उसको सर्विस सेंटर नहीं बल्कि एक और अच्छे बेटर ऑप्शन के पास जा रहा हूँ जिसका नाम है व्हीकल केयर। जैसा कि नाम ही है भाई, व्हीकल केयर, तो मेरे व्हीकल का पूरा पूरा केयर रखा जाएगा। और आज इस वीडियो में पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हीकल केयर से सर्विस कराने के बाद मेरा कैसा थ्रू आउट द एक्सपीरियंस रहा है और क्या फ़ायदा रहा है, सब कुछ सारे बातों पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SJ ऑटो व्लॉग्स। चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। हेलो सर, बिल्कुल बढ़िया सर, कैसे हो सर? अरे बिल्कुल बढ़िया, सर्विस करानी है जी। ठीक है सर, अभी कर देते हैं सर। वहाँ और कोई दिक्कत आपकी तरफ से गाड़ी में? देखो जी, थोड़ी बहुत ऐसे दिक्कत लग रही है कि ब्रेक थोड़ी हल्की है, ठीक और है, थोड़ी आवाज़ आ रही है जी, बेल्ट वेल्ट से शायद आ रही है। ठीक है, मैं लेकर आया हूँ मरीज को डॉक्टर के पास, डॉक्टर जी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर, एक बार हम गाड़ी रोड टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा, आप चलाओगे? बिल्कुल सर, थोड़ा प्यार से चलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आइए सर। अच्छा नहीं, आप चला लो सर, कोई दिक्कत नहीं, आप चला के आओ, बताओ फिर क्या दिक्कत है, उस फिर उसका दिक्कत दूर करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। सर गाड़ी का रोड टेस्ट ले लिया है आपकी गाड़ी का? हाँ जी। एक तो सर कंप्लीट 60,000 किलोमीटर वाली सर्विस होनी है इसमें, पेड सर्विस। एक सर आपके ब्रेक क्लीनिंग हो जाएंगे, चारों ब्रेक खुल के, ब्रेक के आपके कैलिपर में आवाज़ है, ब्रेक की जो पिन होती है उन पिनों में आवाज़, आपके पिन की आवाज़ हो जाएगी। एक सर आपके आगे से सीट बेल्ट, सॉरी वी बेल्ट में आवाज़ है, आपकी बेल्ट की आवाज़ वो हो जाएगी। बाकी दरवाजों में हल्की फुल्की जो आवाज़ है उसके लिए ग्रीसिंग और ऑयलिंग करा देंगे, क्योंकि वो आवाज़ आपकी क्लीन हो जाएगी। चलो, एक सर आपकी गाड़ी में क्लच बैरिंग में नॉइज है, बट वो अभी बहुत माइनर है, वो आपकी अभी चलेगी, मतलब वो आपको कराने की जरूरत नहीं है अभी। बहुत माइनर आवाज़ है, वो हमें फील होती है, आपको फील भी नहीं होगी अभी। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ। हाँ सर, वो मुझे फील हुई, बट वो आपको अभी फील नहीं होगी, बट उसकी अभी जरूरत भी नहीं है हमें कराने के लिए। चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, जो चीज की जरूरत है वो कराओ। बिल्कुल सर, जो चीज बाद में कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं सर दो कार्ड खोल देता हूँ गाड़ी। सर आपके जो 60,000 किलोमीटर वाले जो सर्विस होगी, ये मेजर सर्विस होती है जिसमें सर आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट और गियर ऑयल चेंज होगा सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो जाएगी, टायरों की बैलेंसिंग हो जाएगी, गाड़ी की अलाइनमेंट हो जाएगी। जो सबसे अच्छे टायर होंगे दो टायर, वो हम आगे लगा देंगे, बाकी जो थोड़े वीक होंगे वो हम पीछे लगा देंगे, ताकि आपको चलने में थोड़ी स्मूथनेस मिले। ठीक है, गाड़ी के साथ वैसे इंजन ऑयल कौन सा डालते हो सर? सर मोबिल, मोबिल, हाँ, जो इसके साथ कंपेटेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास तो वैसे सारे कार्स के लिए आते हैं? सर हमारे पास तो सभी के लिए, पर हम जो पेट्रोल गाड़ी में जो हम यूज करते हैं, हम सर वो मोबिल यूज करते हैं। और कितने हजार चलेंगे डालने का? ये सर अब आपके जैसे 60 चले 70 पे सर्विस होगी, यानी कि अगले 10,000 किलोमीटर तक आप बिल्कुल फ्री रहोगे। शुभम जी, सर इसमें एक अपनी गाड़ी में सर एक हॉर्न भी चेंज होना है। हॉर्न? हाँ जी, हाँ जी, मुझे लग ही रहा था कि थोड़ा आवाज कम है। हाँ, वो आवाज कम है सर, एक तो हॉर्न है और बाकी लाइट वाइट में सारी चीजें चेक करवा दूंगा। लाइट की जब बात आई है तो शायद इस लाइट में ना थोड़ी दिक्कत है, इन दोनों में से कोई एक लाइट में दिक्कत है। ठीक है, वो मैं चेक करवा देता हूँ सर। और ऐसा है शायद की क्या है वो आप ही बता पाओगे, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कभी कभी जलती है, कभी कभी बंद हो जाती है। नहीं नहीं सर, वो उसके उस चीज़ का हम सोल्यूशन कर देंगे। हाँ। वो आपको प्रॉब्लम दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हम व्हीकल केयर के पास आए हैं। बिल्कुल सर, ताकि आप हमारी कार का अच्छे से केयर कर सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपको अगले 10,000 किलोमीटर तक कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह की, वो हमारी जिम्मेवारी अगले 10,000 किलोमीटर तक। बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे अगर होगी तो आप बगल में ही हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छी बात ये है कि व्हीकल केयर आपके आसपास हर जगह मौजूद है, कभी भी आपको जरूरत पड़े आप इनका लोकेशन चेक कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को लेकर वहां जाकर सर्विस करवा सकते हैं। शुभम जी,
गाड़ी हमने बाकी चेक कर ली, मैं काम स्टार्ट कराता हूँ गाड़ी में। अप्रोक्स जो एस्टिमेट आपका कंप्लीट सर्विस का 60,000 किलोमीटर वाली, फैन बेल्ट की नॉइज, दरवाजों में जो आपके मैंने नॉइज बताई थी वो करा देंगे सर, ब्रेक कैलिपर करा देंगे, चारों ब्रेक खुलवा के आपके क्लीनिंग हो जाएगी, हॉर्न आपका रिप्लेस हो जाएगा सर, और ऑल लाइट आपके मैं चेक करवा दूंगा। अप्रोक्स जो सर आपका जो एस्टिमेट है 3500 से 4000 कम्प्लीट। आप जो मोड ऑफ पेमेंट लेते हैं क्या सिर्फ कैश लेते हैं? सर सभी प्रकार से, कैश, गूगल पे, पेटीएम कार्ड से, जैसा आप चाहे मैं कम करता हूँ। भाई एक बात बताओ। बिल्कुल बताइए। वैसे तो यार दुनिया में हजार तरह के लोग हैं जो कार की सर्विस कर रहे हैं, बिल्कुल कंपनी भी कर रही है, हम व्हीकल केयर से क्यों कराएं? सर देखिए हमारा जो प्राइस है सर सबसे कम प्राइस है। अच्छा। सर्विस का भी अगर आप जैसे मतलब किसी भी चीज़ में आप देखोगे, जैसे क्लेम में है, अगर आप क्लेम में हमारे पास काम करवाते हो, मान लो इंश्योरेंस क्लेम में सर, उसमें हमारे फाइल चार्ज आपका वे ऑफ है, कोई फाइल चार्ज नहीं है आपका, ठीक है। और अगर आप वैसे डेंट पेंट कराते हो तो सर हमारा जो प्राइस है सबसे मिनिमम प्राइस है 1200 रुपये पर पैनल। अच्छा 1200। हाँ, हैच बैच और सेडान गाड़ियों के लिए सर 1200 रुपये पर पैनल में डेंट पेंट है, ठीक है। और सर आपको मैं क्वालिटी भी दिखाऊंगा, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी है हमारी और सबसे कम प्राइस में। और ऐसे सर हमारा है जैसे आपका सर्विस है या मैकेनिकल जो भी आपका रनिंग काम है, मतलब फ्रंट बम्पर टू रियर बम्पर कंप्लीट सर, कम मिनिमम टू मिनिमम प्राइस। तो ये डेंट पेंट कहाँ करते हैं सर? यहाँ ये हमारा सेक्शन है सर अलग से डेंट पेंट का। अच्छा। मैं उसमें आपको एक्सीडेंट की गाड़ी भी दिखाता हूँ। अच्छा। और जो हम जैसे हम वर्क करते हैं मैं आपको वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और जो हमारी क्वालिटी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये तीनों चीज चलो एक बार ही देखते हैं। अनिल भाई ने बोला कि अगर मान लो कल को आपकी गाड़ी को इंश्योरेंस में देना है, बिल्कुल करवाना है, वो सब भी हो जाएगा? बिल्कुल सर, वो सब भी हो जाएगा। डेंट पेंट कराना है वो भी हो जाएगा? बिल्कुल सर। अगर जैसे जनरली कस्टमर क्या होता है कि किसी का इंश्योरेंस नहीं होता है या जो कैश में चाहता काम कराना, तो सर वो हम कैश में भी करते हैं। अच्छा। हाँ जी, आइए सर मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ सर। जैसे ये हमारी गाड़ी है, ये अभी आई है सर क्लेम में, मतलब ये इंश्योरेंस क्लेम में काम चल रहा है गाड़ी का। अच्छा। और ये हम इंश्योरेंस क्लेम में गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। बाकी ये सर हमारी गाड़ी है जनरल कस्टमर की गाड़ी है, ठीक है। ये नॉर्मल इसमें छोटा मोटा काम, हाँ ये जो छोटा मोटा काम है सर जो कस्टमर का, जो कस्टमर कराना चाहता है, बड़ा काम है। हाँ जी सर, ये क्या है कि एक्सीडेंट गाड़ी है, इंश्योरेंस क्लेम में है, तो ये हम क्लेम में प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा। गाड़ी पेंटिंग वर्क पे आ चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद ये गाड़ी डेंट पेंट हो जाएगी और कम्प्लीट रेडी हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। वैसे और सारी चीजें यहाँ पे मैं भी देख रहा हूँ, पेंट वेंट का भी काम चल रहा है। हाँ जी सर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा सर डेंटिंग का और पेंटिंग का सेक्शन है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले डेंटिंग होने के बाद गाड़ी रेडी करते हैं। अच्छा। पेंट के लिए। अच्छा। उसके बाद जो जब हम पेंट करते हैं तो सर हम पेंट करते हैं पेंट बूथ में। अच्छा, पेंट बूथ भी है? बिल्कुल सर। एक बार वो भी देखते हैं सर। बाहर हम गाड़ी रेडी करेंगे और ये हमारा पेंट बूथ है जो हमेशा सर 24x7 ऑन रहते हैं। यहाँ पे जो है सर हमारी फाइनल गाड़ियाँ पेंट होती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मतलब जब गाड़ी हम बिल्कुल फाइनल में जो फाइनल पेंट हम मारते हैं, आपने देखा होगा जो फिनिशिंग जो आती है पेंट बूथ की वजह से आती है, ताकि हम लास्ट में जो फाइनल जो क्लियर जो हम करते हैं गाड़ी को, ये वो है। सर अभी मैंने आपको दिखाया हमारा डेंटिंग सेक्शन, हमारा पेंट बूथ जो हम वर्क करते हैं। अब सर मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ गाड़ी में। सर देखिए यह गाड़ी हमने कम्प्लीट डेंट पेंट की है ये गाड़ी, ठीक है। हाँ जी, ये मतलब कंप्लीट गाड़ी हमने डेंट पेंट किया। अब इसके बाद आप इसकी गाड़ी की शाइनिंग देखिए, ये क्या कंप्लीट पेंट है? यस सर, ये रूफ छोड़ के आपकी कंप्लीट गाड़ी पेंट की है। और कितना खर्चा आया होगा कुछ आइडिया? सर वो अप्रोक्स इसका जो कंप्लीट खर्चा आया है करीबन 24 के अराउंड आया। 24 के? हाँ जी। डेंट और पेंट मिला के? डेंट पेंट मिला के कंप्लीट। एक बात बताओ, ये इसी वर्कशॉप में ये सारे फैसिलिटी है? नहीं सर, सर व्हीकल केयर के सभी वर्कशॉप पे आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। अच्छा। हाँ जी, मतलब सर अलग से आपको डेंट पेंट का सेक्शन मिलेगा, आपको पेंट बूथ मिलेगा और ऐसी फिनिशिंग मिलेगी हर एक वर्कशॉप पे। तो यहाँ पे जितने भी वर्कर्स है, टेक्नीशियन है, सारे स्किल्ड है? यस सर, सारे मतलब
जो नॉर्मली बंदे को चाहिए होता है, मतलब वो कंप्लीट झोला छाप डॉक्टर नहीं है। नहीं 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 सर, यहाँ पे क्या है कि हमारे सभी विकल करके वर्कशॉप पे हर एक काम डिवाइड है। मतलब ये नहीं है कि सर हमने, जैसे आपने देखा होगा काफी जगह पे एक ही बंदा डेंटिंग कर रहा है, एक ही पेंटिंग कर रहा है, बाद में पता चल रहा है वही सर्विस कर रहा है। तो सर हमारे लिए सब सारी चीजें अलग है, मैकेनिक हमारी अलग है, डेंटर हमारे अलग है, और पेंट वर्क जो रेडी करने वाली टीम है वो हमारी अलग, और जो क्लियर करने वाली जो पेंट है वो हमारी टीम अलग है पेंट वर्क की। लेकिन ये देख के कोई नहीं बता पाएगा कि ये गाड़ी पेंटेड है, ये गाड़ी एकदम जो नई वाली पेंट होती है। बिल्कुल सर, बॉडी पेंट वही लग रही है। बिल्कुल, तो इनका पेंट का काम तो वाकई लाजवाब है। अब चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और देखते हैं अब क्या क्या प्रोसेस हो चुका है वहाँ पे। सर गाड़ी अभी ऑलमोस्ट आपकी रेडी है, अभी हम इसमें इंजन ऑयल डालेंगे। अच्छा, उसके बाद एक बार गाड़ी कंप्लीट लाइट वाइट आपकी सारी चीज़ चेक कराऊंगा, उसके बाद अलाइनमेंट बैलेंसिंग करेंगे आपकी गाड़ी की, और फिर वॉश होगी गाड़ी। ठीक, वॉश से पहले रोड टेस्ट ले लेंगे गाड़ी का, ताकि कोई इशू तो है नहीं और आवाज़ वगैरह क्लियर हो जाएगी। सर देखिए, जैसे हम अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट करा रहे थे, आपकी जो गाड़ी है ना अलाइनमेंट आउट है, लेफ्ट साइड की जो आपकी अलाइनमेंट है ना वो रेड कलर में है, रेड 2.57 है डिग्री। हाँ जी सर, ये आपके आने चाहिए 351 गियर ऑन, यानी कि ग्रीन होने चाहिए, ये आपकी रेड है। डॉक्टर साहब ने एक बीमारी पकड़ी है। हाँ जी, तो सर इसमें हम अभी आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट कराएंगे, जिससे आपकी गाड़ी चलने में भी स्मूथ होगी, साइड भी नहीं खींचेगी और बिल्कुल प्रॉपर सीधी चलेगी लाइन। मेरे ख्याल से इसका जो ये रीजन होता है ना कि टायर सही हो जाता है, टायर ज्यादा घिसता नहीं है, टायर ज्यादा घिसता है या एक साइड गाड़ी नहीं खींचती, वो सारी मतलब प्रॉब्लम आती है अलाइनमेंट आउट से। तो अब हम जैसे ही अलाइनमेंट कर देंगे, एक तो आपकी टायर भी कम्फर्ट चलेंगे, मतलब टायर भी गाड़ी टायर को भी कम घिसाएगी और आपकी गाड़ी चलेगी भी स्मूथ। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी कार। सर देखिए, आपकी जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सेट हो गई अलाइनमेंट, ठीक है। आपके कैम्बर है, कैम्बर आपके बिल्कुल सेट हो गए हैं, जो आपके रेड थे वो सारे आपके ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि अब आपकी गाड़ी बिल्कुल फिट है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा सर्विस का? अब सर इसके बाद हम इसको गाड़ी का रोड टेस्ट लेंगे, उसके बाद गाड़ी के ऊपर वॉशिंग कराएंगे, रोड टेस्ट लेंगे। सर गाड़ी अपनी रेडी हो चुकी है, ठीक है, सारे काम हो चुके हैं, गाड़ी बिल्कुल फाइनल है, ठीक है सर। और सर साथ में ये गाड़ी का बिल है, ठीक है, की गाड़ी का तो टोटल जो बिल अमाउंट है सर 3642 रुपये का सर आपका टोटल बिल अमाउंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें सर आपकी कंप्लीट सर्विस होगी, अलाइनमेंट बैलेंसिंग सारे काम हो गए, कैलिपर हो गए हैं, ठीक है, वॉशिंग अभी गाड़ी फाइनल हो रही है, उसके अलावा जो आपकी फ्रंट बेल्ट की नॉइज थी वो होगी, हॉर्न आपका चेंज हो गया, आपका हेडलाइट जो इशू था हेडलाइट का इशू भी जो सारा काम कर। हाँ जी, आपका सर आप मतलब अगले 10,000 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्री है, आप बेफिक्र होकर चलाओ। 10,000 के बाद क्या करना है सर? उसके बाद आप हमारी वेबसाइट है सर व्हीकल गियर की, आप वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप अपनी सर्विस बुक करो, पिक एंड ड्रॉप हमारी तरफ से FOC में बिल्कुल फ्री है। अच्छा। हाँ जी सर, वो अगर हमारा बाय चांस आपको कोई टाइम नहीं मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे बुक करना सर्विस, और सर हम गाड़ी पिक करा लेंगे और जैसे गाड़ी का काम हो जाएगा हम गाड़ी वापस ड्रॉप करा देंगे। क्या बात है, तो ये नोट करने वाली बात है कि अगर कल को आप बिजी हैं और आपको अपनी गाड़ी सर्विस करानी है, सर्विस ड्यू है, तो आप बस व्हीकल केयर के वेबसाइट पर जाएं और आपकी गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट पिक एंड ड्रॉप सर्विस होके हो जाएगी। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा है, मेरी गाड़ी में जितने भी प्रॉब्लम्स थे सारे सॉल्व हो गए। कई कबार क्या होता है कि जब आप गाड़ी सर्विस कराने आते हो तो आप खुद भूल जाते हो कि हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे इतने सारे चेक पॉइंट्स थे, मोर देन 40, जिसके कारण भैया ने खुद बताया कि ये आपकी लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हॉर्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये सारा सॉल्यूशन हो गया है। भैया थैंक यू सो मच। ओके सर, अब बस अगली बार मिलेंगे 10,000 किलोमीटर के बाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अपनी गाड़ी सर्विस करानी है, कोई भी फ्रॉम टाटा टू मर्सिडीज, कोई भी कार आपको व्हीकल केयर से आप सर्विस करा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक दे रखा है। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो पे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।